दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शहाब भाई पर हुए जानलेवा हमलों के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि शहाब भाई पर किन लोगों ने हमला किया था। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि हमारी दी हुई जानकारी आप अच्छी तरह समझ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शहाब भाई कहां तक पहुंचे हैं। तो हम आपको बता दें कि शहाब भाई अभी राजस्थान में अपना सफर तय कर रहे हैं और आज शहाब भाई को अपने सफर पर रवाना हुए 69 दिन पूरे हो चुके हैं। दोस्तों, आप लोगों ने तो सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब में ऐसी वीडियो और फोटोज तो जरूर देखी होगी जिसमें ये बताया जा रहा है कि शहाब भाई जो अल्लाह तबारक व तआला के नेक राह पर निकला है उन पर जानलेवा हमला हुआ है। दोस्तों, ये पूरी जानकारी सरासर गलत है। अभी शहाब भाई पूरी तरह सलामत है, उन पर किसी तरह की जानलेवा हमला नहीं हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप सब इस वीडियो में देख सकते हैं कि शहाब भाई ने एक वीडियो अपने ऑफिशियल चैनल पर ये वीडियो 1-2 घंटे पहले ही अपलोड किया है जिसमें शहाब भाई सही सलामत दिख रहे हैं। दोस्तों, एक बात तो हम सभी मानते हैं कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर शहाब भाई की शोहरत और मकबूलियत को देखकर और चर्चे को सुनकर उनके अंदर जलन हो रही है, लेकिन उन लोगों को शर्म करनी चाहिए कि एक नौजवान अल्लाह के घर पैदल जा रहा है, वो नेक काम करने जा रहा है, तो हम कैसे लोग हैं कि इस नौजवान से क्यों जल रहे हैं। दोस्तों, शहाब भाई एक नेक सफर पर निकला है तो हमें उनके कामयाबी के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए, ना कि उनके मकबूलियत और शोहरत और चर्चे को देखकर अपने अंदर जलन पैदा करे। दोस्तों, अब हम आपको शहाब भाई के बारे में कुछ अहम जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। शहाब भाई का सफर तो जारी है, आप सभी लोग शहाब भाई के बारे में तो जानते होंगे। अगर अभी तक आप शहाब भाई के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको उनके बारे में पूरी मालूमात हासिल हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि शहाब भाई केरला से पैदल हज करने के लिए सऊदी अरबिया जा रहे हैं, उनके हौसले को देखकर लोग उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है। शहाब भाई की एक झलक देखने के लिए सबके दिलों में उनके लिए बहुत ज्यादा इज्जत है, और हो भी क्यों ना, इतना बड़ा काम जो कर रहे हैं, पैदल हज पर जाना कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पैदल हज पर जाने के लिए शहाब भाई को कितना खर्चा आया होगा, आज की इस वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। और दोस्तों, शहाब भाई से मुतासिर होकर दो और लोग हैं जो हज के लिए हिंदुस्तान से पैदल सऊदी अरबिया निकल पड़े हैं। तो बात करते हैं उन दो लोगों के बारे में, ये दोनों कौन हैं, कहां से हैं, उनका क्या नाम है, क्या उनके पास सऊदी अरबिया जाने के लिए परमिशन, पासपोर्ट, वीजा वगैरह है या नहीं, और क्या ये लोग पैदल सऊदी अरबिया जाएंगे और जिस देश से गुजरेंगे क्या उन लोगों के पास उस देश की परमिशन है, ये लोग किस तरह से पैदल हज पर जा रहे हैं और अभी तक ये लोग कहां पहुंचे हुए हैं, क्या उन लोगों के पास शहाब भाई की तरह पूरी तैयारियां हैं, उन लोगों की नीयत क्या है, क्या ये लोग वायरल होने के लिए ऐसा कर रहे हैं या सचमुच ये लोग हज की नीयत करके पैदल हज करने के लिए निकल पड़े हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी मालूमात देंगे। अब बात आती है कि शहाब भाई पैदल हज करने के लिए जा रहे हैं तो रास्ते का खर्चा कितना आया होगा, क्योंकि उन्हें पैदल चलना है, रात में कहीं पर रुकना है, उन्हें खाना खाना है, पानी की बोतल भी लेनी होगी, पानी पीना है, तो ये चीज फ्री में तो नहीं आती है, उनके लिए पैसा देना जरूरी होता है। तो शहाब भाई का देखा जाए तो शहाब भाई एक दिन में 25 किलोमीटर का फासला तय करते हैं और ऊपर से उनके साथ चार लोग और भी हैं जो उनके गांव के हैं और साथ साथ पैदल चल रहे हैं। उनके साथ में एक एम्बुलेंस भी चल रही है जिसके पेट्रोल का भी खर्चा आता होगा। तो आप इस वीडियो के साथ में बने रहिए, हम आपको सारी मालूमात देने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, शिहाब भाई का ये सफर करने के लिए यानी इस सफर पर निकलने के लिए सबसे पहले परमिशन की जरूरत थी और उस परमिशन के चक्कर में उनका एक साल चला गया, यानी उन्हें एक साल लग गया। क्योंकि जाहिर सी बात है वो तीन चार मुल्कों से होकर गुजरेंगे तो तीन चार मुल्कों का भी वीजा लेना है, वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है और सऊदी अरब की हुकूमत से भी परमिशन लेनी है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी है। ये सारी कागजी कार्रवाई करने के लिए उनका एक साल इसी में लग गया, यानी हिंदुस्तान से परमिशन, पाकिस्तान, ईरान, इराक से परमिशन और कुवैत से परमिशन लेनी पड़ी। तो शिहाब भाई जितने देशों से होकर गुजरेंगे उन सब की परमिशन लेनी होगी, तो उन्हें इन सारे देशों की परमिशन लेनी होगी। अगर हमें अपने देश से दूसरे देश में जाना है तो हमें और जिस देश से जाना है वहाँ से भी परमिशन लेनी होगी, तभी हम दूसरे मुल्क में जा पाएंगे। अब यहाँ पर यह सोचना बहुत जरूरी है कि शिहाब भाई का परमिशन लेने में एक साल का वक्त लग गया तो उनमें उनका कितना सारा खर्चा आया होगा। और ये भी पता चलता है कि शिहाब भाई हर रोज 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलने की ट्रेनिंग किया करते थे। प्यारे दोस्तों, अगर कोई सफर पर निकलता है तो उसमें जितना पैसा खर्च होने वाला होता है या जितना उसको जरूरत होती है उतना वो ले लेता है और इतनी रकम खुद अपने पास रख लेता है। अगर शिहाब भाई को देखा जाए तो उन्हें यह सफर शुरू किए हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और 40 दिनों तक तो उन्हें कोई भी नहीं जानता था कि वो पैदल हज पर जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता था। फिर हाल ही में 20 दिनों के अंदर शिहाब भाई इतना मशहूर हो गए हैं कि हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग उनको जानता है। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, जब शिहाब भाई ने ये सफर 2 जून से शुरू किया था तब तक उन्हें कोई नहीं जानता था, तब तक उनके 40 दिन हो चुके थे, यानी के 40 दिन तक उन्होंने ये सफर अकेला किया था। तो सोचिए इस 40 दिन में उनका कितना सारा पैसा खर्चा हुआ होगा, खाने पीने में या किसी होटल में रुकने के लिए कितना पैसा खर्चा हुआ होगा, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और शिहाब भाई को मक्का पहुंचने में 280 दिन लगेंगे और 280 दिनों में शिहाब भाई को कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शिहाब भाई का कितना खर्चा होगा, 10 लाख, 50 लाख? जब कोई हवाई जहाज से हज करने के लिए जाता है तो उसका 4 से 5 लाख रुपए आराम से खर्चा हो जाता है, जो कि पैदल हज करने में जाने के लिए उससे भी ज्यादा का पैसा खर्चा होने वाला है। तो दोस्तों, ये हो गई शिहाब भाई की बात। अब हम उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो 2 और पैदल हज करने के लिए निकले हैं, जिनमें से पहले का नाम है मोहम्मद आसिफ, ये महाराष्ट्र के हैं। दोस्तों, उनकी उम्र और उनकी हालत को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये पैदल सफर कर पाएंगे, वो भी सऊदी अरबिया तक जो 8600 किलोमीटर है उनको इतना पैदल चलना होगा। दोस्तों, रही बात शिहाब भाई की, तो शिहाब भाई एक नौजवान हट्टे कट्टे शेर की तरह हैं और यहाँ शिहाब भाई ने पैदल चलने की ट्रेनिंग कर रखी है और शिहाब भाई हज पर चलने के लिए पहले से ही उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे। वो हर दिन 20 से 25 किलोमीटर चला करते थे। और अब मोहम्मद आसिफ की बात कर लेते हैं तो ना उनके पास ट्रेनिंग है और ना ही उनके पास किसी तरह का वीजा और ना ही परमिशन और ना ही पासपोर्ट। यानी के दोस्तों, एक वीडियो में उन्होंने खुद बताया है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पैदल हज करने के लिए निकला हूँ, पीछे से वीजा आ जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं, जब उनके पास कोई परमिशन वीजा नहीं है और ना ही उनके पास कोई पासपोर्ट है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब ये हिंदुस्तान से गुजर रहे होंगे या तो उन्हें बीच रास्ते में पुलिस पकड़ लेगी और उनको सजा भी हो सकती है, या तो अगर बीच रास्ते में पुलिस नहीं पकड़ती है तो जब ये हिंदुस्तान होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, जब ये वाघा बॉर्डर पर पहुंचेंगे तो वहां पर जो मिलिट्री होती है उन्हें वहीं पर रोक देगी और फिर से उन्हें वापस हिंदुस्तान की तरफ भेज देंगे, या तो उन्हें कोई सजा भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से शिहाब भाई ने अपनी तैयारियां की थी, जिसके लिए उन्होंने एक साल पहले से ही हिंदुस्तान गवर्नमेंट से, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर से परमिशन लिया था और दूसरे देशों से जैसे कि पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब से परमिशन लिया था कि उनके देश से होते हुए सऊदी अरब में इंटर कर जाएंगे। अब बात करते हैं मोहम्मद आसिफ भाई की।
तो उनके पास ना कोई परमिशन है और ना ही कोई वीज़ा है। दोस्तों, अगर उनको हज करना है, पैदल करना है, तो उनको सबसे पहले तो जो पूरा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को पार करना होगा, यानी कि उन्हें तमाम देशों से परमिशन लेनी होगी, हिंदुस्तान से परमिशन लेनी होगी, जो कि अब उनके पास कोई भी परमिशन नहीं है। और उन्होंने बताया है क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान से मक्का पैदल हज करना है तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा भी खर्चा होगा, और आसिफ भाई के पास कुछ भी नहीं है और उन्हें हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे, यानी ये पाकिस्तान में इंटर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास कोई भी परमिशन नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे भाई के बारे में। दोस्तों, उनकी एज भी बहुत ज्यादा है जो पैदल सफर करने के लायक नहीं है। बेशक ताकत देने वाला अल्लाह ही है, हर शय को ताकत देता है, लेकिन दोस्तों उनके पास भी ना तो वीजा है और ना ही पासपोर्ट और ना ही कोई परमिशन, तो अब ये भी किस तरह से पैदल हज पर जा सकते हैं, जबकि उनके पास भी ना तो गवर्नमेंट की परमिशन है और ना ही उनके पास वीजा और पासपोर्ट है और किसी भी देशों की परमिशन नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान, ईरान, इराक, तो उनके पास भी कोई परमिशन नहीं है। तो उनके साथ भी वही होगा जो मोहम्मद आसिफ भाई के साथ होगा, यानी जब जाएंगे हज करने के लिए तो उनको हिंदुस्तान में ही रोक लिया जाएगा, या तो उनको भी बीच रास्ते में पुलिस पकड़ लेगी और उन पर कोई कार्रवाई करेगी। अगर उनको बीच रास्ते में पुलिस नहीं पकड़ती है तो उनको भी जब ये वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान जाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो उनको हिंदुस्तान की आर्मी जो वहाँ पर तैनात है उन्हें रोक देगी और उल्टा उन्हें वापस भेज देगी। तो दोस्तों, अब बात रही उन लोगों की नीयत की, तो दोस्तों देखिए, किसी की नीयत कोई नहीं जानता कि उसके दिल में क्या चल रहा है। हो सकता है कि उनके दिल में सच्ची मोहब्बत हो, उनके दिल में भी चाहत होगी कि ये भी पैदल हज करने के लिए जाए, या तो हो सकता है ये भी कि उनकी नीयत सिर्फ वायरल होने की हो। दोस्तों, अब उनकी क्या नीयत है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। लेकिन दोस्तों, अगर जिसको पैदल हज करने के लिए जाना है तो एक प्रोसेस होता है कि तमाम देशों की परमिशन लेनी होती है, हिंदुस्तान की परमिशन लेनी होती है, पूरी तैयारी करनी होती है, कानूनी कार्रवाई करनी होती है, कागजी कार्रवाई करनी होती है, फिर उसके बाद ही आप पैदल हज करने जा सकते हैं, और उसके लिए आपको ट्रेनिंग की भी जरूरत होगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स उठे और बैग उठाए और हज के लिए निकल पड़े। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को पूरा करना होगा, उसके बाद ही आप हज के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पैदल हज करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस को पूरा कीजिए, उसके बाद ही हज पर जाने के लिए पैदल निकले, और इस तरह से आप पैदल हरगिज ना निकले। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।